कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है कभी कभार अपना व्हाट्सअप किसी और फ़ोन में वेरीफाई कर लेते हो, या फिर किसी और फ़ोन में जो है लॉगिन कर लेते हो, या फिर किसी तरह से कोई प्राइवेसी मतलब सिक्योरिटी के लिए जो आपको व्हाट्सअप पर कभी कभार इस तरह से मैसेज आता है। मान लीजिए मैंने आपको मैसेज करा और आपके पास मैसेज वो पहुँचा ही नहीं, वहाँ पर लिखा हुआ आया है वेटिंग फॉर दिस मैसेज, कुछ इस तरह का जो है ऑप्शन आपको व्हाट्सएप पर मैसेज में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या करें, हम कैसे इन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं 101% रियल ट्रिक के साथ। दोस्तों, इन मैसेजेस को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप जो है फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी की सारी जानकारी जो है आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है बिल्कुल भी बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, तभी जो है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको सब कुछ जो है क्लियर करके बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना है, तभी जो है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, आप देखते नहीं हो, कुछ नहीं, और कमेंट करते हो बकवास है या फिर समझ नहीं आ रहा, ऐसा वैसा कुछ भी नेगेटिव कमेंट करते हो, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से देखिए, तभी जो है आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको अपना व्हाट्सअप ऐप ओपन कर लेना है। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप बिजनेस है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ओपन कर लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट पर जो मैं टैप कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेटिंग फॉर दिस मैसेज कुछ लिखा हुआ है। ये चार मैसेजेस मैंने भेज रखे हैं यहाँ पर यहाँ पर जो है मैसेज शो नहीं कर रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये वेटिंग फॉर मैसेज का ऑप्शन कब आता है, ये मैसेजेस क्यों आते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपका व्हाट्सअप वेरीफाई नहीं है, या फिर आपका जो है व्हाट्सअप आपने वेरीफाई करा, या फिर आपका व्हाट्सअप किसी और पर्सन के पास गया था, या फिर आपका व्हाट्सअप से रिलेटेड मतलब प्राइवेसी की खातिर आता है, मतलब दोस्तों आपकी जो प्राइवेट मैसेज से कोई और ना पढ़ सके, इसलिए जो है वेटिंग फॉर दिस मैसेज का ऑप्शन आता है। दोस्तों, इसके लिए कुछ घबराने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने अपना व्हाट्सएप अपने फ़ोन में लॉगिन कर लिया, इतना काफ़ी है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो मैसेज आए हैं इस व्हाट्सएप को मैं ओपन कर लिया, जो मतलब मैंने मैसेज भेजे थे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा सेकंड व्हाट्सएप है, बराबर दोस्तों, सेकंड व्हाट्सएप जो मैं अपना ओपन कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ मैसेजेस जो है मैंने यहाँ पर टाइप करके भेज रखे हैं। दोस्तों, ये जो है यहाँ पर ब्लू टिक हो चुके हैं, मैं ऑनलाइन आया, ऑफ होता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही मैं ऑनलाइन अपने व्हाट्सएप पर ओपन गया, तो दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने इस व्हाट्सअप को ओपन करा दोस्तों, मतलब यहाँ से मैंने मैसेज भेजे थे और यहाँ पर जो है ऑनलाइन का ऑप्शन आया, बराबर दोस्तों, मेरे नाम पर जो है ऑनलाइन का ऑप्शन आया, मतलब मैं एक्टिव हुआ, ऑनलाइन हुआ और ये मैसेज जो मैंने सेंड करे थे ये ब्लू टिक हो चुके हैं। और दोस्तों, हमको क्या करना है, अब अपना दूसरा व्हाट्सअप मतलब जो आपको मैसेज आए थे उनको ओपन कर लें। देख सकते हो दोस्तों, वही कॉन्टैक्ट वही मैसेज जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ऑनलाइन दिखाना है, जिसके भी मैसेज आते हैं उस बंदा यहाँ पर ऑनलाइन रहता है तो आपको ये मैसेज अपने आप आ जाते हैं। दोस्तों, यही ट्रिक थी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो दोस्तों, यही जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों सबसे जरूरी बात, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।